जुलाई 2024 तक हिमाचल के मंडी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 7वीं नेशनल स्वार फ्रेंच बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने 14 गोल्ड 5 सिल्वर व 1 ब्रॉन्ज कुल 20 मेडल के साथ ऑल इंडिया में दूसरे स्थान प्राप्त कर विजेता ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही बिहार टीम के मुख्य कोच शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को राष्ट्रीय स्वार संघ के अध्यक्ष हंसराज नामसौत के द्वारा विजेता ट्रॉफी के साथ बेस्ट कोच ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया। बता दें कि इस बार बिहार से 3 खिलाड़ियों का चयन बेस्ट फाइटर ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए हुआ है, जिसमें जूनियर बेस्ट फाइटर रितेश रमजन, यूथ बेस्ट फाइटर काशिक हुसैन व सीनियर बेस्ट फाइटर ऑफ इंडिया का खिताब का ताज नासिर फिरोज के सिर सजा है। 5 से 8 जुलाई तक मंडी हिमाचल प्रदेश में चल रहे 7वीं नेशनल सवात फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 20 पदक के साथ पूरे ऑल इंडिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इन 20 पदक में 14 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल व 1 ब्रॉन्ज मेडल इन सभी ने खिलाड़ियों ने बिहार को दिलाया है। इसके साथ ही इस बार जो है बिहार से 3-3 खिलाड़ियों को बेस्ट फाइटर ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि जूनियर वर्ग में रितेश रंजन उर्फ सीनू जो कि सारण जिले सोनपुर से हैं। इसके अलावा यूथ में काशिफ हुसैन जो कि मुजफ्फरपुर से हैं। इसके साथ ही सीनियर वर्ग में नासिर फिरोज जो कि ये भी मुजफ्फरपुर से खिलाड़ी है। इन सभी खिलाड़ियों ने अपने उम्दा प्रदर्शन के दम पे इस बार बिहार को दूसरे पोजीशन पे लाया। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में का सफल आयोजन, इसके साथ ही हमारे नेतृत्व में अभी अभी लोग इंडोनेशिया से खेल के आए थे और यहाँ भी बहुत अच्छा मेडल टैली था। इस वजह से राष्ट्रीय सभा संघ के अध्यक्ष हंसराज नामसौत जी व संस्थापक सुखविंदर सिंह जी के द्वारा हमें भी अवार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया है। ये पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि अब यहाँ के खिलाड़ी बड़े बहुत अच्छे तरीके से 20-20 खिलाड़ी गए थे और 20 के 20 पदक बिहार को मिला है। अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि अब यहाँ का मेडल टैली सुधर रहा है, अब खिलाड़ी खेल की ओर अब ध्यान दे रहे हैं और बहुत बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो कॉल व कॉल के माध्यम से इन खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इन सभी के साथ मैं सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, सचिव राजसभा संघ बिहार। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ। अरे यहाँ तो ऑटो फायर्स का स्टिकर लगा है, इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फायर का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था। अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से।